मोमबत्ती का गौना करके अपने घर आ जाता है। उधर ही चाप सिंह की छुट्टी पूरी हो जाती है। चाप सिंह अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए अपनी तैयारी कर लेता है और चाप सिंह को तैयार होते देख सोमवती एक बात के द्वारा किस तरह से पूछन लगी, बाकी हवाला इस रागणी के माध्यम से आपके बीच में लेकर के आ रहे हैं भाई सुरेश गोला पलवल और उनके साथ ललिता शर्मा मेरठ। तो आइएगा सुनिएगा चाप सिंह और सोमवती के किस्से की ये सुंदर सुनहरी बात। आइए तड़के हाजरे होना से मने दिल्ली भोज में जाके तड़के हाजरे होना से मने दिल्ली भोज में जाके कित जाल्या भरतार मेरे पां जो हथियार लगा के दक तड़के हाजरे होना से मने भोज में जाके गोरी तड़के हाजिर होना से मने दिल्ली भोज में जाके सोमवती आज मेरी छुट्टी पूरी हो गई। सुनिए पिया जी मेरी बात। छुट्टी 2 महीने की आया था गोरी आज खत्म होगी छुट्टी 2 महीने की आया था दिखे थोड़ी छुट्टी ले तन्ने क्यों चाला करवाया था घर का दरवाजा बंद पड़ा यो मने खोलना चाया था घर का दरवाजा बंद पड़ा यो मने खोलना चाया था दिखे के तेरे घर ने फूकू हाय के तेरे घर ने फूकू तो छोड़ चला मुकला के दक छठे महीना सोमवती तने फिर मिलूंगा आके छठे महीना सुने सतवंती सुख हो संतोष सवर में आए सोमवती सुने सतवंती सुख हो संतोष सवर में हाय तेरे बिन संतोष सवर यूं कैसे भोजन कर मैं हो फटका और
समझ, डिक पति समझ, पूजन कर खाना खाइए टेम का के। तुत पति समझ, पूजन कर खाना खाइए टेम का के। आपके बिना मेरा कौन सहारा है? तेरे सहारे के लिए हाँ एक फटकार और कतार सोमवती में तेरे पास अपनी निशानी छोड़ करके जाऊंगा। जब भी तुम्हें मेरी याद आए मेरा फटकार कतार देख लेना और अपना भोजन कर लेना। लेकिन पियाजी मेरा दुख भी सुन ले। कह दे। धन का पी दो दासी लाले कुण वे की ठास नहीं से। मारे धन का पी दो दासी लाले कुण वे की ठास नहीं से। आए छोड़ चला मेरे बालक बच्चा भूपस पास नहीं से। के करूं हूर मेरे डटने की और ज्यादा गुंजास नहीं से। मेरे कटने की और ज्यादा गुंजाश नहीं से। छोड़ नौकरी गुजर करे हमें, छोड़ नौकरी गुजर करे घर रूखी सूखी खाके। डक मर्द मरे, डक मर्द मरे रोजगार बिना तेले की घर बिठा के। डक मर्द मरे रोजगार बिना फौज का मैं सू 500 की महावारी। गोरी सिपे सालार फौज का मैं सू 500 की महावारी। राम किस सुने बात आज मैं साथ चलूंगी थारी। कह ब्यास वीर ना चाहिए फौज में